एक्सीडेंट हुआ वाला कैब, आई फेल स्लिप होके गिर गया शायद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर टू जस्ट यू नो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यश कुमार। तो हे फैमिली, कैसे हो आप सब? वो आज संडे, हमको संडे को टाइम मिलता है, तो मेरे को आज करवानी मेरी बाइक को सर्विस। तो मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया, जैसे कि इंजन ऑयल है, लिक्विड मॉलिक का इंजन का फ्लशर है, वो सब मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अमेजोन से क्या क्या ऑर्डर किया था। तो आप देख सकते हो, ये सब मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये मैंने इंजन ऑयल है कैस्टर ऑयल का पावर वन अनलिमिटेड, मैं ये वाला डलवाता हूँ क्योंकि मेरे को ये लगता है कि इससे मेरी बाइक परफॉर्मेंस देती है ज़्यादा अच्छा, मतलब पावर में। तो इसके लिए मैं यही डालता हूँ मेरे बाइक में। और ये लिक्विड मॉलिक इंजन फ्लश शूटर ऑयल सर्किट एंड क्लीनर, ये एक मैंने मंगाया। और लिक्विड मॉलिक का जो क्लीनर सिस्टम आता है वो मेरे को अमेज़न पे अवेलेबल नहीं मिला, अमेज़न पे आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ, तो फिर मैंने नियरेस्ट शॉप से फिर मैंने यही ले लिया मैक्सॉल का। किसको किसका कैसे यूज़ करते, ये लिक्विड मॉलिक का जो है इंजन फ्लशर उसको कैसे यूज़ करते है, फिर ये मैक्सॉल है इसको भी अपने कैसे यूज़ करते, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये मैंने एयर फिल्टर भी लिया क्योंकि एयर फिल्टर भी मेरे को लग रहा है मेरी गाड़ी का ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा ले ही लेते अपने एयर फिल्टर भी। तो बस तेरी गाइस अपनी शैडो, तो उसको भी कोल्ड स्टार्ट करते अपने। ये फ्लू ब्लिंकर का भी आ गया है क्योंकि मैं कल सोचा कल टैंक फुल करा दूँ उसकी, बट मैंने टैंक फुल नहीं कराई क्योंकि मेरे को, आपने देखा मैंने ऊपर आपको बताया मैक्सॉल का मेरे को ये वो फ्यूल सिस्टम डालना है मेरे को इसके अंदर, तो क्या अपने वो क्या अपने डालते ना, तो उससे क्या अपना मैं जो अपने जो टैंक में जो भी कचरा अटका रहता है, तो क्या उससे टैंक फुल करने के बाद वो डालने से वो क्या आपका मतलब जो भी कचरा वचरा वो सब पूरा साफ कर देता है, और मतलब आपका जो अंदर का फ्यूल इंजेक्शन रहता है वो एकदम क्लीन कर देता है, तो एकदम स्मूथ चलता है। तो बस निकलते अपने यहाँ से, अभी इसको कोल्ड स्टार्ट तो कर दिया है। मेरे को ये लग रहा है शायद रास्ते में अटक ना जाए क्योंकि उसको रिजर्व में होके 19 किलोमीटर चल गई है रिजर्व में, देखते हैं अभी कहाँ तक चलती है, नहीं तो फिर अपने को फ्यूल भराना पड़ेगा। बता दूंगा चालू के लिए, मैं मेरे को जब तक लग रहा तब तक तो पहुँच जाएगी। ओ हो एक्सीडेंट क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ वाला क्या? आई पहला स्लिप होकर गिर गया शायद। चलो अच्छा है, कार को कुछ नहीं हुआ। यो नया नया इनोवा भाई का है। इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई बाइक चलाओ, आराम से चलाओ। वो भाई बाइक चला रहा है, उसने ना हेलमेट पहना है कुछ नहीं, विदाउट सेफ्टी वो बाइक चला रहा है। मेरे को यहाँ से रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि आगे से कट दिया नहीं है, गैरेज इधर ही आता है राइट हैंड साइड में, बट क्या आगे से उन लोग ने कट दिया नहीं, तो हम लोग को यहाँ से रॉन्ग साइड से ही जाना पड़ता है। आगे एक सर्कल है वहाँ तो उन लोगों ने किसी को बीच में कट दिया नहीं है, तो जिसका यहाँ पे भी राइट साइड किसी का भी काम होता तो उन लोग इधर से रॉन्ग साइड से आना पड़ता तो अभी, और फिर आगे से वापस घूम के इधर तक आने का, उससे अच्छा है रॉन्ग साइड से डाल लो अपने तुरंत आ। आ गया अपने गैरेज पे भाई को, मैंने लिक्विड मॉलिक का इंजन फ्लशर दे दिया उसको, तो अभी बस वो खोल के डालेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको यूज़ करते हो। आपको तो पहले ये इंजन फ्लशर डाल देना है अपने, इंजन ऑयल निकालना नहीं है, जो पुराना वाला उसके अंदर उसको आपको मिक्स करके डालना अंदर। पूरा डाल देना, तो बस अभी इसको पूरा डाल दिया। तो अपने अपने बाइक स्टार्ट करने के बाद 10 मिनट तक बाइक स्टार्ट रखना है,
तो क्या जो पूरे सर्कुलेशन जो अपने डाला इंजन फ्लशर, वो क्या पूरे इंजन में सर्कुलेट हो जाएगा, तो क्या अपने इंजन को पूरा साफ़ कर देगा वो। तो अपनी गाड़ी को पहले स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के लिए। तो गाड़ी बंद कर दी अभी, 10 मिनट हो गया तो अभी इसको तो बस अभी अपने इंजन ऑयल निकालते हैं, अभी देखते हैं अपने इंजन ऑयल में कितना डस्ट था वो। आप देख सकते हैं इंजन ऑयल मतलब कितना काला निकल रहा है। मैं तो बोलता आप लोग भी 3 महीने बाद इंजन ऑयल चेंज कर ही दिया करो। तो बस अपने डालते हैं अभी इसके अंदर इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल तो अपने डाल दिए, अभी अपने एयर फिल्टर चेंज करते हैं। पहले चेक करते हैं जूना वाला कैसा है, फिर अपने वो नया वाला डालेंगे। तो आप देख सकते हो पूरा एयर फिल्टर पूरा ख़राब हो चुका है। इसके लिए मैं नया लेके आया था, मुझे पता था कि ख़राब हो ही गया होगा। तो बस अभी इसको चेंज कर देते अपना नया वाला एयर फिल्टर। आप लोग जब भी आप आते हो बाइक सर्विस कराने के लिए, तब भी आप चेक करवा सकते हो कि एयर फिल्टर आपका अच्छा है कि ख़राब हो चुका है वो। मेरे बाइक पे तो लिखा है नॉट क्लीन फिल्टर, रिप्लेस इट फॉर एवरी 12,000 किलोमीटर। तो देखना आपकी बाइक पे भी लिखा होगा कि कितने किलोमीटर के बाद आपका एयर फिल्टर चेंज करना चाहिए, बल्कि उसको क्लीन नहीं करना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखना आप लोग चेक करने। आप आवाज़ से मेरे को लग तो रहा है कि गाड़ी अभी थोड़ी स्मूथ हो गई है। अपना इंजन ऑयल, एयर फिल्टर सब डलवा लिया, अभी लास्ट में फ्यूल तो अपना टैंक फुल है ही, तो अपना ये भी डाल लगते हैं मैक्सॉल का। मैं टोटल 10 पाउच लाया हूँ। अगर लिक्विड मॉलिका मिल गया होता तो अपने एक ही बॉटल में डाल सकते, पर लिक्विड मॉलिका मेरे को अमेजोन पर अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को ये वाला लेना पड़ा। लिक्विड वाले का एक ही बॉटल में हो जाता है, एक ही बॉटल में 80 ml आता है, तो इसके हिसाब 10 पाउच लिए तब जाके वो इतना हो रहा है। अभी देखो आधे पाउच ये रहे, आधे पाउच मेरे हाथ में। अपने ये डाल दिए, अभी एक बार गाड़ी चालू करते हैं, उसको 10 मिनट तक चालू रखते हैं गाड़ी अपना। अभी तो हो गया गाड़ी पूरा कंप्लीट, तो 10 मिनट तक चालू रखते क्योंकि सर्कुलेशन उसका पेट्रोल के साथ हो जाए। थैंक यू शादाब भाई, आपने करके दिया। अरे शादाब भाई का गैरेज है ये, मलिक ऑटो गैरेज। अगर आप वापिस से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे आके सर्विस करा सकते हो, इनकी सर्विस प्रोवाइड अच्छी है। इनका टाइम था, हो गया था बंद करने का, बट मैं तो उन्होंने बोला ठीक है, बोलता तू आ गया तो मैं तेरे लिए कर देता फटाफट, करती है मेरा गाड़ी सर्विस। तो बस अभी एक तो अपनी गाड़ी सर्विस हो चुकी है, अभी निकलते अपने यहाँ से घर के लिए। अभी इसको चला के देखते कैसी चलती है। अभी तो एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी, और पिकअप में भी एकदम चल रही है अच्छी, मतलब कि तुरंत पिकअप पकड़ रही है, क्योंकि पहले नहीं हो रहा था ऐसा। अभी कुछ फीलिंग्स आ रही है गाड़ी चला मजबूत वाली।
तो आ गए अपने अभी सोसाइटी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना कि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।